हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज। ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज होंगी ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने आपके सीबीएसई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई है और आपकी इसकी कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो और इसके साथ साथ आपको जो यहां पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो तो कराऊंगा ही कराऊंगा, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है उन क्वेश्चंस की, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में जो नंबर है वो पूरे के पूरे अचीव कर सकें। तो ज्यादा ना बातें करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस होंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और कि आप मिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आप शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्स में ना आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मिक्स फॉर्म में ही आने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको जब तक मिक्स क्वेश्चन की हैबिट नहीं होगी ना, तब तक आप विद इन टाइम में वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आपका एक ही जवाब रहता है फिर लास्ट में कि हाँ पेपर इजी था बट जो लेंथी था छूट गया, तो वो यही कमी रह जाती है। तो आपको हमारी वीडियो की सीरीज के साथ जुड़ना है और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो भी करनी है, ठीक है? और अपने नंबर को भी अचीव करना है। तो ज्यादा ना बातें करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एपी सीरीज से लिया हुआ है। किससे है? एपी सीरीज से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 25 माइनस ए 15 फॉर द एपी 6 9 12 15, ठीक है? ओके, कोई एपी है वो सीरीज में चल रही है जिसका A1 जो है ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 A4 ऐसे तरीके से चलता है, ठीक है? तो उसमें जो हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है A25 माइनस A15 की। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो अगर मैं इसको बताऊं, इसको कई तरीके से कर सकते हैं बट सबसे इजी और सबसे बेसिक तरीका ही बताएंगे आपको, ठीक है, कि आपको एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा A1 कितना है आप बताएं, तो आप कहेंगे A1 जो है वो 6 है, ओके। और D कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं तो D मिल जाता है। किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, D मिल जाएगा। अगर आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए बेसिक्स वीडियो बना रखे हैं जिसमें डी कैसे निकाले, कैसे पहचाने, रूट में होता है तो डी कैसे निकाले, ठीक है? बहुत सारी वीडियोस जो है इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पर डी कितना आ गया, 3 हो गया, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, A25 को हम कितना लिख सकते हैं? A25 जो होता है वो होता है A+24D, ठीक है? क्यों होता है, देखिए ध्यान से, जब हम A25 लिखेंगे तो ये होता है A+(n-1D)(n-1)D। तो ये जो n की वैल्यू होती है वो n यही तो होगा, ठीक है? n जो होगा वो यही होगा। और n अगर मैं यहां पर 25 रख दूं तो उसमें से माइनस वन होगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे ये a प्लस और ये कितना हो जाएगा 24D, यही बचेगा, क्लियर? अच्छा, और अगर मैं A15 को कहूं तो आप कहेंगे कि इसका आंसर आएगा a प्लस कितने d, तो 14D। अब देखो, उन्होंने इनका सब्ट्रैक्शन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, सब्ट्रैक्शन पूछ रखा है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो आप कहेंगे यहां पर तो आ गया A25 माइनस A15 इज इक्वल टू, ये a से तो कट जाएगा, ठीक है, 24 में से 14 गए तो कितने बचे, तो आप कहेंगे 10D बचेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो 10D होने वाला। और आप एक बात बताएं, हमारा d कितना आया, 3, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ d, दैट मींस 30। तो इसका जो आंसर होने वाला फाइनल वो 30 होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स इसमें आप इसको पहले कॉपी जरूर कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसके बाद में प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्या करने लग जाते हैं, वो पूरा का पूरा A25 निकालेंगे, पूरा का पूरा A15 है वो निकालेंगे और उसको निकालने के बाद उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको उस तरीके से नहीं करना। अगर कभी भी इन दो टर्म की या ऐसी कोई टर्म्स हो उनका सब्ट्रैक्शन पूछ रखा है तो आपको ये वैल्यूज रखनी रखनी है। उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग का जो A होता है वो स्टूडेंट्स आपका कट जाता है तो आपकी D की वैल्यू बचती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डील करते हैं जिससे कि हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है और साथ साथ में हमारा आंसर जल्दी आता है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म, क्या होने वाली है? देखिए सिंपली इसने बोला क्या है, इसने कहा है कि यदि 7th टर्म दैट मीन सातवां पद
ठीक है, सेवन टर्म का सेवन टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसी एपी का, वो इक्वल है किसके, फिफ्थ टर्म्स के फाइव टाइम्स के, ठीक है, ओके। तो उसने कहा है ए ट्वेल्व निकालना है, ए ट्वेल्व क्या होगा, तो मैं आपसे पूछता हूं ए ट्वेल्व होता क्या है, तो आप कहेंगे ए प्लस इलेवन डी, दैट मीन्स क्योंकि एक ए वन कम होता है एन माइनस वन है, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस सिक्स डी और इसका ये आ गया सेवन, ओके, और यहां पे हो जाएगा ए प्लस कितने डी, फोर डी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फाइव, अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन से करूंगा तो ये हो जाएगा सेवन, और सेवन के सिक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी टू डी इज इक्वल टू, इसकी फाइव की मल्टीप्लीकेशन ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा फाइव ए प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी डी, क्योंकि फाइव फोर जा ट्वेंटी, ओके, ठीक है, ए को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा सेवन माइनस फाइव ए इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस फोर सॉरी ट्वेंटी डी होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्वेंटी डी, तो हो जाएगा ट्वेंटी डी माइनस फोर्टी टू डी, ओके, तो हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा ट्वेंटी टू माइनस का और डी। अब आपको क्या करना है, आपका जो टू टू ए की वैल्यू पता है तो ए वन ए की निकाल दो, इससे काट देते हैं इसको, कितनी बार कट जाएगा इलेवन, दैट मीन्स ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस का इलेवन डी, ओके, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए ट्वेल्व, तो ए ट्वेल्व जो है वो तो ये रहा, ठीक है, ए की जगह हम कितना रख सकते हैं माइनस इलेवन डी प्लस, ये हमारा इलेवन डी कौन सा, ये वाला, अच्छा माइनस इलेवन और प्लस इलेवन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जीरो, दैट मीन्स ए ट्वेल्व की वैल्यू कितनी आ गई आपकी जीरो, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है, दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स, ठीक है, तो इक्वल रूट्स ये कौन से फोर्थ चैप्टर्स में से है, ठीक है, इक्वल रूट्स कब होते हैं पहले यही जान लीजिए, इक्वल रूट्स तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम d बोलते हैं वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, जीरो के। अब ये बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार मैं बेसिक से समझा देता हूं आपको, कोई भी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए, एक्स के साथ बी और नॉर्मल सी, क्लियर है, और हम जो किसी भी संख्या को उठाते हैं उसके साइंस के साथ, साइन के साथ उठाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे प्रोडक्ट कर दूं, तो यहां पे पहले एक बार लिख लेते हैं एम एक्स ब्रैकेट में फाइव एक्स है माइनस सिक्स और इज इक्वल टू जीरो, अच्छा इससे इसके जो इससे हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 5m और ये x स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस 6 से करेंगे तो ये माइनस का ये रहा, ये हो जाएगा हमारा 6mx, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बराबर कितना है जीरो, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है, ओके, तो देखिए x स्क्वायर के साथ होगा वो क्या होगा a, ठीक है, और जो x के साथ होगा वो क्या होगा b, तो मैं यहां पे कह सकता हूं b स्क्वायर है, दैट मींस x के साथ क्या है ये है, तो ये पूरा का पूरा कितना है, इसके साइन के साथ देखो, तो आप कहेंगे माइनस का 6m है, तो मैं कहूंगा माइनस का 6m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a कितना है जो x स्क्वायर के साथ होगा, कितना है ये 5m, ठीक है, और c कितना है, तो आप कहेंगे c तो है ही नहीं, तो c है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, c है नहीं तो उसको क्या करेंगे, रहने देंगे, हम उसको नहीं लेंगे, क्लियर यहां तक, ओके बराबर, और सी अगर कोई नंबर होता जस्ट लाइक दैट, मैं कहता हूं यहां पे 2 है तो हम वहां पे 2 ले लेते, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 36m स्क्वायर माइनस ये 5 2 जा 5 4 जा 20 है इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 20m प्लस का और ये हो जाएगा 36m स्क्वायर, 1m से 1m क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1m से 1m कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 20/36, 4 से काट लेंगे 4 5 20 और 4 9 36, तो m की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है स्टूडेंट्स 5/9, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। सो आई होप इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये एक या दो नंबर में आने वाला है, तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर आपको दिया हुआ है
फ्रॉम ए पॉइंट बी टू टेंजेंट्स आर पी ए एंड पी बी, दैट मीन्स ये जो टेंजेंट्स है ये पी ए पी बी है, ठीक है, टेंजेंट्स है टू ए सर्कल सी ओ आर, ठीक है सी ओ आर, ओके. इफ ओ पी इज टू आर, ओ पी दैट मीन्स ये वाली जो दे रखी है ये टू आर दे रखी है, मैंशन भी कर रखा है. फाइंड एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी दैट मीन्स ये पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड वॉट टाइप ऑफ एंगल ए पी बी, सॉरी ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी किस तरीके का ये ट्राइंगल ए पी बी है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा तो पहले आपको इसका एक ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ठीक है. लेट्स से मैंने ये ट्राइंगल बना लिया, ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने ओ रखा है, ओके, और एक सेकेंड, ये मैंने यहां पर इस जगह ओ करते हैं, ठीक है ना, ये ओ है और ये पी है. क्यों ओ पी है? क्योंकि ये जो होती है ना ये हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ओ यहां पर रख दिया, पी यहां रख दिया, और यहां पे मैं क्या मान सकता हूं? ए मान सकता हूं. अब एक बात बताइए, ओ आर कितना है? तो आर, और ये कितना है? टू आर, ठीक है, ओके. अब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. लेट्स से मैं कह देता हूं मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अच्छा, इस ट्राइंगल में अगर मैं बोलूं तो ये ए ओ पी निकलेगा, तो आप कह सकते हो ए ओ पी दैट मीन्स ये वाला एंगल निकलेगा, हाँ या ना, ठीक है. तो देखते हैं क्या निकलता है. तो यहां पर हो गया ये आधार और ये बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है या बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लगता है कोस, कोस थीटा हमें पता नहीं है, और ये दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है आर, और हाइपोटेनस क्या है टू आर, आर वन जा आर से आर कट गया, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स वो कितनी आ गई, वन बाय टू, कितनी आ गई, वन बाय टू. और कॉस थीटा वन बाय टू कहां पर होता है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा वन बाय टू होता है कॉस सिक्सटी पर, कहां पर होता है, कॉस सिक्सटी पर. अगर ये कॉस सिक्सटी पर होता है तो मैं इस कॉस से कॉस को कट कर सकता हूं, ये थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 60 डिग्री होने वाला है, ठीक है. तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं ये मेरा एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है. एक बार मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री. अब अगर स्टूडेंट्स ये 60 डिग्री अगर मैं इसको पूरा मिला दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे से, ये वाला जो ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं आपस में, ये वाला ट्राइंगल इस पूरे के कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है. अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60, और ये मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूं. तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है. आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप मेरी बेसिक वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहां पर बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है. तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, जिसको एग्जाम में अपने नंबर को बढ़ाना है, अपने मार्क्स को जो है ज्यादा से ज्यादा अचीव करने है, उनके लिए बना रखी है वीडियो, ठीक है. तो यहां पर देखिए, वहां पे मैंने बता रखा अपनी बेसिक वीडियो में कि ये जो ट्रायंगल होता है वो इसके कॉन्ग्रेट होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है. तो यहां पर अगर मैं उन चीजों को पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा. अगर ये पूरा 120 है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, 180. तो आप कहेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है. तो ए ओ बी कितना है, 120 डिग्री, तो ये ए पी बी हो गया बराबर 180 डिग्री. फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए पी बी जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंड द रिजल्ट इज 60 डिग्री, क्लियर. तो ए पी बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया. ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको आई होप बात क्लियर हो गई होगी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे यहां थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अब उसने ये भी पूछा है कि ये जो है वो ट्रायंगल किस तरीके का होगा, ठीक है. तो एक बार इसको पूरा रफ कर लेते हैं. अब आप एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये पूरा ये जो है ये 60 डिग्री का, कितने डिग्री का ये, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का ये, और ये टेंजेंट्स बराबर है. तो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल में देखिए, तो ये टेंजेंट्स बराबर है, दैट मींस ये और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उनके आमने सामने के जो जो एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल. तो ये x प्लस एक्स मान लेते हैं, और ये हो जाएगा ये कितना था, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस 60 डिग्री देन यू गेट टू 120 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आने वाली है। दैट मींस ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली कितने का है, ये पहले से 60 डिग्री का है। तो अगर तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल का एंगल जो 60-60 के आ रहे हैं, तो ये जो ट्राइंगल होने वाला है वो कैसा रहने वाला है, तो आप कहेंगे ये वाला जो ट्राइंगल रहने वाला है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल रहने वाला है। अभी मैंने आपको समझाया, इसमें काफी टाइम लगा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहां से एक सेकंड का क्वेश्चन था कि ये 60 डिग्री है और ये दोनों टेंजेंट बराबर जो है इक्वल होती है, तो ये एक्स एक्स ये भी ऑलमोस्ट 60-60 होने वाली है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। सो आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे। तो हमारे वीडियो को पूरा का पूरा देखे करिए, जिससे आपको जो पूरा का पूरा फायदा है वो मिल सके, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं वाला क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12320 इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। कर्व सर्फेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कर्व सर्फेस एरिया हमें जो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो कर्व सर्फेस एरिया होता है वो होता क्या है, पाई आर एल, क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल। तो मैं कह सकता हूं आपसे कि ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, पाई आर एल की दे रखी है, ठीक है। और इसने मुझसे हाइट पूछी है, क्या पूछी है, हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइट निकालने के लिए देखिए करना क्या होता है कि एल स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर मैं बेसिकली अगर अपना एल निकाल लूं, तो मेरा आर मुझे पता है और मैं इस थ्योरम में जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें रखकर मैं अपना एच भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो देखिए पाई एल का मतलब क्या हो गया, 22/7, आर कितनी है 56, और एल मुझे कुछ नहीं पता, एल पता है नहीं है, और इसकी वैल्यू कितनी देखिए 12320। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको बस खाली कैलकुलेशन हमें सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे इसको, 7/8 जब कट जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 12320 अपॉन में 22 इनटू में 8, यही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से काट दूं, या आप कहोगे 4 से कट कर देते हैं, 4 × 8, 4 × 12, अब ये जाएगा नहीं तो 0, 4 × 8 = 32 और 0 का 0, क्लियर है, ओके। 22 से काटेंगे, 22 × 22 कितना बचा, 8 × 22 = 88 0, फिर 2 से काटेंगे कितना हो गया, 2 × 7 = 14 0। दैट मीन्स L की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे 70 L की वैल्यू आ गई, क्लियर यहां तक, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है H, तो H हम कैसे निकालेंगे, तो H निकालेंगे हम 70 का स्क्वायर, क्योंकि L का स्क्वायर था, बराबर रेडियस का कितना है 56 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। 70 का करेंगे कितना हो जाएगा, 4900, 56 का करेंगे तो 56 का एक बार कर लेते हैं, ठीक है, तो 6×6 = 36, 3×5 = 25, 6×5 = 30, 30×2 = 60 और 60×3 = 63, तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6×5 = 11, 1 + 2 = 3, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा 3136 प्लस एच स्क्वायर, ओके, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4900 माइनस 3136 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके ये ऊपर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेशन को यहां कर देता हूं, तो इसको यहां पर माइनस कर लेते हैं, 4900 3136 या आया 4, 9 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6, और 8 में से बन गए 7 और ये 1, इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। पीछे से पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4×4 = 16, कितना बचेगा 1 6 4, तो ये 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, तो ये 164। दैट मींस अगर मैं ये कहूं कि ये किसके बराबर होना था, ये एच स्क्वायर के बराबर होना था, एच स्क्वायर, तो अगर हम एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, वही 1764 है, तो ये 1764 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 1764 जो होता है वो आपका 42 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक मजा आया होगा। अगर आपको यहां पर
जो ये स्क्वायर रूट्स इन सब में दिक्कत आती है, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इनके लिए एक छोटी छोटी वीडियोज होंगी वो मैं अलग से बना दूंगा, जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स होती है स्क्वायर रूट्स वगैरह की, ये भी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी दूर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और बने रहें हमारी वीडियो की सीरीज के साथ। ये सीरीज बिल्कुल मिस मत करना, अगर आपको अपने नंबर को सीरियसली बढ़ाना है तो सीरियस होकर बस खाली इस सीरीज के साथ जुड़ जाएं। आपको डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, आपको डेली एक वीडियो देंगे, तो आपको उन वीडियो को देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी है। अपने जो चैप्टर हैं एक्सरसाइज वाइज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स को पढ़े पढ़े, बट ये मिक्स क्वेश्चन जो है वो जरूर 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 प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी जो मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू स्टूडेंट्स।